जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है, इसका क्या कुछ असर होगा हर क्षेत्र में, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी, जो पूर्व में वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और आर्थिक मामलों के जानकार भी माने जाते हैं। जयंत जी, मैं सीधे सीधे आपके पास आता हूं। जीएसटी क्या है ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है, लोग उहापोह में फंसे हुए, यहां तक कि हम लोगों को ही नहीं समझ आ रहा है। जीएसटी क्या है ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है, लोग उहापोह में फंसे हुए, यहां तक कि हम लोगों को ही नहीं समझ आ रहा है। पहले बहुत ही सरल बात है, देखिए जीएसटी को लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मैं उसको कहता हूं गणतंत्र का सुविधा तंत्र, या अंग्रेजी में उसे कहें ग्रैंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस। आम जनता को इससे बहुत फायदे मिलने वाले हैं। आपको क्या मिलेगा, सरकार की जो सुविधाएं हैं बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये आपको और उपलब्ध होंगी, क्योंकि हमारा जो आय का स्रोत है, हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो जीएसटी के द्वारा बढ़ेगा। पहला मुख्य लाभ ये है। दूसरा मुख्य लाभ क्या है आम जनता के लिए, वो यह है कि हम महंगाई पे लगाम लगा पाएंगे, महंगाई पे अंकुश लगा पाएंगे, ये भी जीएसटी का बहुत बड़ा एक लाभ है। मैं अगर सीधे सीधे आपके पास पहुंचूं, आप आर्थिक मामलों के खासे जानकार माने जाते हैं, आपका पूरा परिवार माना जाता है, मैं आपसे कहूंगा कि आप बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे क्लास की तरह आप समझाइए, मैं हर तरह से समझना चाहता हूं कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर होगा। तो आप ये पेन पकड़िए और इंडिया न्यूज के दर्शकों को समझाइए कि मैं पहले पूछता हूं कि एक आम घर में आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, रिफाइंड ऑयल, तेल, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो आम जो आम वस्तुएं हैं और जो आम सेवाएं हैं, अधिकतर उन पे टैक्स कम होने वाला है। और मैं बताऊंगा कि जो आप सब्जी, चावल, नमक, दही, दूध जो करते हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है ना। और करीब 90 ऐसे वस्तु हैं जो आम तौर के जीवन में हम लोग उनका उपयोग करते हैं, जिन पे टैक्स कम हो चुका है। और जो 81% जो चीजें हैं उन पे टैक्स 18% से कम होगा। इसके पीछे क्या कारण है ये आपको समझना चाहिए। अधिकतर जो हम लोग आम जीवन में जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उस पे टैक्स कम होने वाला है, जैसे मैंने कहा महंगाई पे अंकुश लगने वाली है, पर ये कैसे होगा ये समझना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको जरा तस्वीरों के तरह समझाता हूं। आज के समय पहले आपको समझना चाहिए कि हमारे 8 टैक्सेस जो केंद्र के द्वारा आते हैं, ठीक है ना, ये 8 टैक्सेस हैं। फिर हमारे 9 टैक्स हैं जो राज्यों के द्वारा आते हैं, 9 टैक्सेस। अब जीएसटी के द्वारा क्या होने वाला है, एक संगम होने वाला है। संगम ये सब जो टैक्सेस हैं और ये सब जो टैक्सेस हैं, इनको मिलाकर 17 अलग 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 टैक्सेस नहीं, सिर्फ एक टैक्स जीएसटी लागू होने वाला है। ये समझना बड़ा जरूरी है कि सप्लाई चेन का क्या महत्व है। और जब आप सप्लाई चेन जब आप समझ जाइएगा तो जीएसटी का जो फायदा है, जीएसटी का जो लाभ है और किस प्रकार से जीएसटी लागू होती है उसको भी आप समझिएगा। हम लेते हैं एग्जांपल सोप का, साबुन का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। साबुन का एग्जांपल लिया जाए, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाद आप जाते हैं होलसेलर के पास जो साबुन लेता है, फिर आप जाते हैं रिटेलर के पास, फिर ये आता है कंज्यूमर के पास। ये आपका ग्राहक हुआ, ये कंज्यूमर हुआ, ये आपकी दुकान हुई रिटेलर, मतलब आप किसी किराने की दुकान गए, आप रिलायंस की कोई दुकान में गए या किसी और की दुकान में गए, ये दुकान हुई आपकी, ये आपका होलसेलर हुआ, होलसेलर, और ये आपकी फैक्ट्री हुई, ठीक है ना। आज के समय जैसे मैं पहले बता रहा था कि बहुत अलग अलग टैक्सेस थे, जब आपने साबुन बनाया तो इस साबुन पे यहां आप पे एक्साइज टैक्स लगी, जब वो होलसेलर के पास गए, ये आपने चल दिया, आपने बना दिया इसको पुणे में, इसको आपने पुणे में बनाया, पुणे से आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया फैक्ट्री में एक्साइज पे, हाँ, फिर आप गए पुणे से आप गए और ये आपका दिल्ली में आ गया होलसेलर के पास, और दिल्ली से इसको पहुंचा के करोल बाग पहुंचाया गया, ठीक है ना। करोल बाग में अब आपको ये कोई दुकानदार से, आप ग्राहक हैं, करोल बाग में आप रहते हैं, आपने साबुन लिया, तो ये जब होलसेलर के पास आया, जो दिल्ली आया, तब आपको ऑक्ट्रॉय देना पड़ा, ठीक है ना, ये भी टैक्स आप पे लगा ऑक्ट्रॉय। जब ये दुकानदार ने आपको साबुन बेचा तो यहां आपको सेल्स टैक्स देना पड़ा। तो जैसे मैं कह रहा था कि अलग अलग टैक्स होते हैं, एक्साइज टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, सेल्स टैक्स है, ये तीनों टैक्सेस आप पे लागू थे। अब जीएसटी में ये भी जो टैक्स है ये गया, ये भी जो टैक्स है ये गया, ये भी टैक्स ये गया, अब बस आप एक टैक्स आप जीएसटी दीजिएगा,
ठीक है ना। अब आप एक टैक्स जीएसटी दीजिएगा वो कंज्यूमर देगा, यहां जो आपने टैक्स दिया है वो आप उसका टैक्स क्रेडिट दुकानदार से होलसेलर पे जाएगा और होलसेलर से फिर फैक्ट्री पे जाएगा। तो इस तरीके से टैक्स जाता है और इस तरीके से क्रेडिट आता है, ये क्रेडिट आपका वापस आने लग जाता है। अच्छा, अगर आप अपना पूरा इसका जो है डिजिटल इनवॉइसिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं, हर आपको हर लेवल पे आपको डिजिटल इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, यानी कंप्यूटर से आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, बिल बनाना पड़ेगा। इसमें मैं जैन जी आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे मैं अपने मोहल्ले की एक दुकान से सामान मंगवाता हूं, नहीं है समय, पति पत्नी दोनों वर्किंग है, हमें तो पता नहीं कि उसको जो है आपने 20 लाख एक श्रेणी रख दी कि इससे नीचे है तो उसको जीएसटी नहीं देना, पर हमें क्या पता है कि वो बिल अगर हम नहीं लेते हैं उससे नहीं। देखिए इसमें देखिए बहुत बहुत जरूरी बात इसमें ये है, पहले तो आपको देखना है कि आप पे जीएसटी लागू होने वाला है कि नहीं। अगर आप 20 लाख से कम है तो जीएसटी आप पे लागू ही नहीं है, तो बिल तो वही हमें पता ही नहीं उस दुकानदार के ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं, वो उस दुकानदार की जिम्मेवारी है। अगर दुकानदार के टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है या 75 लाख से ज्यादा है तो उस दुकानदार को जब वो आप पे रसीद काटता है, वो मान लीजिए रसीद हम नहीं लेते हैं, तो कच्चा काम नहीं चल सकता है, आपको काम जो है पक्का करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब जो मैंने बताया, जो ये टैक्स इधर से इधर आप भर रहे हैं और जो क्रेडिट आप इधर ले रहे हैं, ये तभी आप कर पाइएगा अगर वो कंप्यूटर पे आप करिएगा, डिजिटल इनवॉइसिंग करिएगा, ठीक है ना। और ये जिम्मेवारी दुकानदार की है, होलसेलर की है, फैक्ट्री की, आपकी जिम्मेवारी कंज्यूमर नहीं है। चलिए, आपने कहा कि खाने पीने की चीजें और बाकी वस्तुएं जो है, जो मुझे समझ आए, वो सस्ती होंगी। अब हम पहुंचते हैं मध्यम श्रेणी के लोगों के बीच में, जो हम लोग के बीच में है। जैसे हम लोग अगर जाते हैं टूर पे, कहीं गए ऑफिशियल गए या वैसे गए, तो सबसे बड़ा खर्च आता है होटल का, जाने का मोड, अगर आप फ्लाइट से जा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ट्रेन से। उसके दाम में क्या कमी होगी, बढ़ेगा, वहां आप खाना खाएंगे रेस्टोरेंट में, तो ये सारी चीजों में क्या होगा, क्या कमी होगी या बढ़ेगा? मैं आपको ये बताता हूं कि जो हम लोगों ने इस पे सोचा है और जो हम लोगों ने रेट्स तैयार किए हैं, इसके पीछे दो बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी हो, यानी महंगाई नहीं बढ़े। तो हमारी कोशिश रही है, हमारे पांच रेट बने, पांच दर बने हैं और हम लोगों ने फिटमेंट इस प्रकार किया है कि जो आपकी वस्तुएं हैं, आपकी जो सेवाएं हैं, इन पांच में हम लोग डालते चले जाएं और इस तरीके से डालें। किस तरह से, वो आप जरा समझा पाएंगे? अच्छा है कि हमने पांच दर हमने तैयार किए हैं। एक जो है वो 28% है और इसपे भी एक सेस है। अगर आप BMW खरीद रहे हैं, लग्जरी ऑटोमोबाइल कर रहे हैं, तो इसपे सेस और पड़ रहा है आपका 15% का भी एक सेस है, पर ये आपका टॉप रेट है। फिर आपका एक रेट है 18%, फिर आपका एक रेट है 12%, फिर आपका एक रेट है 5%, और फिर आपका जो पांचवा रेट है वो है 0%। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके रेट हो गए, फिर ये एक सेस आ गया लग्जरी गुड्स का। फिर जो सब जो आपकी वस्तुएं हैं, जैसे आपकी यहां कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है या कोई सेवा है, इन सबको हम लोग कहीं ना कहीं इनका हमने फिटमेंट किया हुआ है। अब जैसे मैं, चार लोगों का मेरा परिवार है, मैं किसी इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि दोनों तरह की डिश आपने मंगवाई, वेज नॉन वेज, तो तकरीबन 2000 का खर्चा आता है। देखिए, मैं आपको हमारी कोशिश सब, वो कहना मुश्किल है क्योंकि वो डिपेंड करता है आपने कौन कौन से डिशेस लिए, किस टाइप के रेस्टोरेंट में गए, तो इसलिए फिटमेंट का सिद्धांत यही रहा है कि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर आपके क्या खर्चे हैं, कैसे हैं, वो हर परिवार पे निर्भर है। पूरे देश में लगभग जितना पहले था उतना ही आगे भी रहेगा और ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। आपकी सरकार का वादा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 तक सबको मकान मिले, पर अब ये जीएसटी लागू हो जाने के बाद कई बिल्डर्स से जो मेरी बात हो रही है, पहले ही वो बहुत घाटे में जैसा वो कहते हैं चल रहे हैं, ये जीएसटी लागू हो जाने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा है कि कह रहे हैं पहले ही स्टैम्प ड्यूटी इतनी देनी पड़ती थी, अब ये हो गया, वो हो गया, वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो उसमें क्या कुछ फायदा होगा जो आपका सपना है कि 2022 तक सबको मकान, तो ये ऐसा हो पाएगा? हम लोग लगे हुए हैं उस काम पे और बिल्कुल भरोसा है कि सब लोगों को मौका मिल जाएगा पक्के घर के लिए तब तक। और जो आज के समय शंकाएं हैं, जो लोग फिक्र कर रहे हैं कि इसके द्वारा जो है वो घर नहीं, पर मकान के दाम और बढ़ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं ना, अगर दाम जो है और महंगे हो जाएंगे, उस पर भी काफी कुछ हम लोगों ने काम किया है। जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा नहीं है कि घर के दाम बढ़ने वाले हैं। जो लोगों की शंकाएं हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि उसका भी समाधान हो जाएगा।
क्या किस तरह का समाधान देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत जो होती है रोटी कपड़ा और मकान, तो उसमें ये मूलभूत एक होता है कि आप लोगों को हमारी कोशिश है कि पक्का घर हम लोग जितना अफोर्डेबल बना सकें, जितना सस्ता बना सकें, चाहे वो दर कम करके, चाहे वो सब्सिडी देके, चाहे टैक्सेस पे कुछ हम लोग काम करके, हमारी कोशिश रहेगी उसको जितना हम अफोर्डेबल बनाएं, जितना सस्ता बनाएं वो जरूर। पर मोबाइल बिल, लोगों की आशंका है कि जिस तरह से टैक्स स्ट्रक्चर बनाए कि मोबाइल बिल के दाम भी अब उसमें भी इजाफा होगा। अगर आप 100 रूपये का आप मोबाइल आप रिचार्ज ले रहे थे, 100 रूपये का मोबाइल रिचार्ज ले रहे थे, जिसमें पहले आपको 15 रूपये आपको जीएसटी में देना पड़ रहा था और आपको 85% फिर आपको टॉक टाइम मिल रहा था, उसी तरीके से आज के समय आपको 100 रूपये के रिचार्ज पे 18 रूपये आपको टैक्स देने पड़ेंगे। पर जो आपको 82 रूपये में जो पहले आपको टॉक टाइम मिल रहा था, जो सॉरी 85 मतलब 85 पे जो आपको टॉक टाइम मिल रहा था वो आपको 82 में मिल जाएगा। तो टॉक टाइम में कोई कमी नहीं होगी, टॉक टाइम में कमी नहीं होगी, पर आपको जीएसटी सौ आप अभी जितना 100 रूपये में आपको टॉक टाइम मिल रहा था उतना आपको 100 रूपये में भी टॉक टाइम मिलेगा। बस यही है कि उसमें टैक्स आपको नजर आएगा ज्यादा, पर कंपनी जो अपना जो पैसा बचा पाएगी उसके द्वारा आपको टॉक टाइम पूरा दे पाएगी। एक और चीज, ब्रांडेड कपड़ों पे इन सब चीजों पे भी टैक्स बढ़ने की बात है, पर उन लोगों का क्या है जो बाजार से कपड़ा खरीद के अभी भी टेलर के वहां से सिलवाते हैं, रेडीमेड नहीं खरीदते हैं, तो उसमें भी क्या कुछ बदलाव? देखिए 20 लाख वालों के नीचे जो है उनको क्या फिक्र करने की जरूरत, जो गांव में कोई बेचारा दर्जी है उसका 20 लाख का टर्नओवर तो मुझे तो लगता नहीं किसी गांव के दर्जी का होगा। नहीं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि क्या कपड़ों के दाम भी बढ़ जाएंगे क्या पहले से? अगर आप जाके कपड़ा किसी छोटे दुकानदार से खरीद रहे हैं और फिर किसी दर्जी से सिलवा रहे हैं, मैं गांव की बात कर रहा हूं, तो वहां सब कुछ जो है 20 लाख से कम का है, तो 20 लाख से जब कम का है तो जीएसटी उन पर लागू ही नहीं है, तो कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 75 लाख तक भी कपड़े की दुकान है या कुछ है, वहां भी इस तरीके से हम लोगों ने बड़े सरल तरीके से उनको कहा हुआ है कि वो जीएसटी को लागू कर सकते हैं, वहां भी खर्चे लोगों के नहीं बढ़ेंगे। मनोरंजन कर बढ़ाने की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारा मीडिया भी हो रहा है, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स इन सब का भी खर्चा और किराया बढ़ जाएगा। अभी मान लीजिए जैसे आपने एक छोटा परिवार है, वो 2-4 मनोरंजन सीरियल देखते हैं और कुछ एक न्यूज चैनल देखते हैं, उन्होंने 150 रूपये का सेट टॉप बॉक्स ले रखा है, अब उस पे भी बड़ा इजाफा। देखिए फिर वही बात आ गई ना, मैं यही आपको बता रहा था कि एक तो टैक्स क्रेडिट भी आपको मिलेगा, अगर आपको लग रहा है कि आप पे टैक्स बढ़ा है तो क्रेडिट भी आपको मिलेगा और इस कारण खर्चे नहीं बढ़ेंगे, कीमत नहीं बढ़ेगा। और अगर थोड़ी सी कीमतें जो हैं बढ़ जाती हैं कहीं एक जगह में, दूसरी जगह में घटने वाली हैं, इसलिए कुल मिलाकर आपके जेब से और पैसा हम नहीं खींचना चाहते हैं, खर्चे जो आपके हैं जो अभी हैं उतने ही रहेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। आपने लग्जरी गाड़ियों को बीएमडब्ल्यू का जिक्र किया, उनपे सेस भी लगेगा, पर जो नॉर्मल गाड़ियां हैं लोग खरीदना चाह रहे हैं और तमाम कंपनियां ऑफर दे रही हैं कि आप 30 तक खरीद लें। देखिए जो आज के समय जो ऑफर्स आ रहे हैं, जो लोग डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं अधिकतर जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि वो अपने स्टॉक को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक सब क्लियर कर लें, पुराने स्टॉक को क्लियर कर लें, और आगे के समय जो स्टॉक आएंगे वो जीएसटी उन पे लागू होगा, जीएसटी में बड़े आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, कोचिंग इन सब पे भी अब जीएसटी के दायरे में वो भी आ रहे हैं। देखिए जो 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 साधारण एजुकेशनल सर्विसेज हैं उस पे कोई सर्विस टैक्स नहीं है, उनको एकदम इसके दायरे से बाहर रखा गया। पर 12th के बाद हर अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड अगर आप कुछ ट्रेनिंग प्रशिक्षण वगैरह करवा रहे हैं तो जी हाँ, वो भी एक सर्विस है और उस सर्विस पे टैक्स लागू होगा, जैसे टैक्स वो सब सर्विस पे। कोचिंग सेंटर जो है वो तो उसको वसूलेगा छात्रों के माँ बाप से, ये सही बात है, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज सर्विस दे रहे हैं, एक विशेष सर्विस विशेष सेवा आपको दे रहे हैं और हर विशेष सेवा पे आपको सर्विस टैक्स देना होगा। बैंकिंग सर्विसेज जो है उसमें भी जो है जीएसटी का असर उस पर पड़ेगा, उस पर भी लोगों के ज्यादा खर्चे होंगे जो सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में पहले सर्विस टैक्स लागू था 15% का, अब 18% हो गया है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही समझाया कि पहले 15% पे कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, अब 18% पे आपको क्रेडिट मिलेगा, बड़े सारे आपके खर्चे हैं जिसपे आप टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स का आपको क्रेडिट मिलेगा। एक और चीज, सेकेंड हैंड गाड़ियां लोग खरीदते हैं, मकान भी जैसे किसी ने खरीद रखा था वो नहीं लोन पे कर पाया तो उससे ले अमूमन लोग खरीद लेते हैं मकान की, आप हमें दे दीजिए, तो क्या वो खरीदारी करना भी अब लोगों के लिए? नहीं, देखिए सेकंड हैंड कार पे डॉक्टर आदिया साहब जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उन्होंने एकदम स्पष्टता से लोगों को समझाया है कि सेकंड हैंड कार में सिर्फ
जो सेकेंड हैंड कार डीलर है जो उस पर सर्विस देता है सिर्फ उस पर सर्विस टैक्स लगेगा, गाड़ी पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। एक और चीज आप कह रहे हैं कि अब जीएसटी लागू हो गया डायरेक्ट टैक्सेस की जो बहुत सालों से उम्मीद थी, क्या उस पर भी कुछ असर होगा इसका या उस पर भी भविष्य में सरकार कुछ करने की योजना बना रही है? हमारे दो किस्म के टैक्स हैं जैसे आपने सही कहा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस करीब 4-5 करोड़ लोग इस देश में देते हैं, जो जिनका सैलरी पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है या आपकी कंपनी है और कंपनी उस पर फिर इनकम टैक्स देती है, तो करीब 4-5 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स देते हैं। लेकिन 125 करोड़ जो लोग हैं, 125 करोड़ जो लोग हैं वो लोग लगभग सभी लोग इन टैक्स देते हैं, लेकिन 125 करोड़ जो लोग हैं, 125 करोड़ जो लोग हैं वो लोग लगभग सभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, क्योंकि साबुन आप खरीद रहे हैं, आप कपड़े खरीद रहे हैं, साड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, इन सब चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्स लागू होता है। तो क्योंकि 125 करोड़ लोग इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं और अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ने लग जाता है क्योंकि जो पहले टैक्स नहीं देते थे वो अब टैक्स देने लग गए हैं, तो फिर तो मौका आएगा कि हम लोग फिर टैक्स में कुछ ना कुछ और सुधार ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो ये थे जयंत सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जीएसटी आम लोगों के फायदे के लिए सरकार लागू कर रही है और टैक्स स्ट्रक्चर जो है सरल किया जा रहा है। उनका साथ में यह भी मानना है कि हाँ आने वाले 2-3 महीनों में शायद कुछ दिक्कतें हों, लेकिन बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी और जहां जहां परेशानी होगी उसको दूर करने की सरकार कोशिश करेगी। प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।